There will be more of corporate and business travel, which is a big opportunity for the travel agents. The sale of travel in. Hello and welcome to Zaruri Gyan with Travel Academy. My name is Gaurav Gera and I welcome you back to the show. Now, because of COVID crisis that we have, we are all working from home. And I thought the show must go on, so I'm here in front of you. आज जो हम लोग discuss करने वाले हैं, वो related है उस चीज़ से जो actually में हो रही है बाहर. It's COVID crisis. You know, everybody is really scared, has anxiety. What is going to happen now? What is going to happen next? पहली चीज तो हम ये प्रे कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, और दूसरी चीज हम ये सोच रहे हैं कि जब ये खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, स्पेशली टू आवर ट्रैवल इंडस्ट्री, हमारी ट्रैवल इंडस्ट्री में या बाकी सारी इंडस्ट्रीज में क्या होगा. सो आई मेड अ लिस्ट ऑफ फाइव थिंग्स, फाइव पॉइंट्स जो हो सकता है कि एक पॉसिबिलिटी हो राइट आफ्टर दिस क्राइसिस होगा. तो वो पांच चीजें जो हो सकती हैं कोविड 19 के खत्म होने के बाद इन ट्रैवल इंडस्ट्री, वो क्या है, राइट. सो लेट्स स्टार्ट. नंबर वन, बिकॉज इन दिस क्राइसिस ऑल ऑफ अस आर रियली यू नो सिटिंग एट होम, और हम लोग अपनी नेसेसिटीज पे ज्यादा ध्यान रख रहे हैं, खाना, ब्रेड, यू नो पल्सेस एंड व्हीट एंड एवरीथिंग. तो हम लोग क्या है ना, हम लोग ज्यादा जितना भी सेविंग्स था, जितना भी सब कुछ था, वो सब कुछ अपनी नेसेसिटीज में लगा रहे हैं. जनरली कई लोग जो है वो सेव करते हैं मेडिकल के लिए, या फिर वो सेव करते हैं लग्जरी के लिए. वो सारा का सारा पैसा जो है वो नेसेसिटी में चला गया. तो इसका मतलब ये है कि जो लग्जरी के लिए पैसा होगा लोगों के पास, वो कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा. तो इसीलिए जैसे ही कोविड क्राइसिस खत्म होगा, तो हो सकता है देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी दैट द लग्जरी ट्रैवल, जो लोग लग्जरी के लिए ट्रैवल करते हैं, इंजॉय करने के लिए करते हैं, वो शायद शुरू शुरू के कुछ महीनों में इतना ऊपर जाएगा नहीं, वो थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि पीपल वुड नॉट बी एबल टू स्पेंड मनी ऑन दैट, रादर पीपल वुड वॉन्ट टू अर्न मनी, और पैसा कमाने के लिए वो बिजनेस ट्रैवल ज्यादा करेंगे. सो हो सकता है कि आफ्टर द कोविड क्राइसिस इज ओवर फॉर 9-10 मंथ्स, there will be more of corporate and business travel, which is a big opportunity for the travel agents that, you know, we should focus more on business travel than on luxury travel. So at the same time, haan, kuch na kuch travel to hoga, because, you know, there are a lot of people who are sitting home and who are wanting to go out and travel, credit cards sabke paas hain, so, you know, you can just swipe and go. But then, the number of travel that would have been there, agar COVID crisis nahi hota, luxury mein, तो वो अब बहुत कम हो जाएगा आफ्टर दिस क्राइसिस, राइट. सेकेंड पॉइंट इज ट्रैवल फॉर्मेलिटीज. सो ट्रैवल फॉर्मेलिटीज जो है वो शुरू से ही रही हैं, एक पासपोर्ट चाहिए आपको, पासपोर्ट पे वीजा चाहिए, और उसके फिर आप ट्रैवल कर लेते हो. हाँ, कुछ वैक्सीनेशंस कई कंट्रीज में जाने के लिए चाहिए होती है, हर कंट्री की एक अलग पॉलिसी होती है, लेकिन अब इसके बाद कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर बिता है. तो हो सकता है, और बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, कि शायद जो ये कंट्रीज हैं, ये सारी की सारी कंट्रीज में वैक्सीनेशन का जो एक प्रोसीजर होता है वो बढ़ जाएगा, कि आपको एटलीस्ट इतने टेस्ट पास करने पड़ेंगे पहले, ओनली देन यू विल बी एबल टू एंटर टू आवर कंट्री, नहीं तो आप नहीं कर सकते. और वो ऐसा इसीलिए करेंगे क्योंकि यू नो nobody wants this kind of disaster to happen again. So screening ज़्यादा होगी airports पे, और थोड़ा सा process जो है वो हो सकता है ज़्यादा tough हो जाए travel का than before. At least for the first few months or first few years. So that's the second thing I think is going to happen. Third thing is the uneven growth of tourism industry. COVID-19 has not impacted all the countries in the same way. कोई कंट्री जो है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली इम्पैक्ट हुई है, जैसे कि यूएस, इटली, साउथ कोरिया, और कुछ कंट्रीज़ में इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ है. तो जब आपके कंट्री में इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ है, तो आपके लिए इससे बाहर आना आसान होगा, क्योंकि जो इलाज मिलेगा वो सारी कंट्रीज़ के लिए होगा. सो एवरीबडी इन द वर्ल्ड वुड बी एबल टू इम्प्लीमेंट दैट, बट उसे बाहर निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा, जिनके लिए ये बहुत बड़ा क्राइसिस बन चुका है इस वक्त. तो पहले ये कंट्रीज अपने आप को इससे बाहर लेके आएंगे, और उसके बाद ही वो लोग अपने आप को टूरिज्म के लिए ढंग से खोलेंगे.
नहीं तो उन लोगों के लिए भी खोलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, टूरिज्म के लिए, लोगों के लिए. सो दैट्स अनदर थिंग, दैट अनइवन ग्रोथ इन टूरिज्म इंडस्ट्री. कुछ कंट्रीज ज्यादा खुलेंगी, कुछ कंट्रीज कम खुलेंगी. सो बीइंग अ ट्रैवल एजेंट, आई थिंक वी शुड फोकस मोर ऑन कंट्रीज जिनके यहाँ पर इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ है, या फिर अगर हुआ भी है तो उनकी जो वापस आने की जो एक कैपेबिलिटी है वो बहुत फास्ट है, बाउंस बैक वो बहुत जल्दी कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ द मनी दे हैव और बिकॉज ऑफ द रिसोर्सेज दे हैव. तो आई थिंक वी शुड फोकस कि हो सकता है कि बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाए ट्रैवल के अंदर इस चीज़ को लेकर के, कि अगर थाईलैंड के अंदर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो हो सकता है कि थाईलैंड का टूरिज्म जो है वो शिफ्ट हो जाए दुबई में, या फिर वो शिफ्ट हो जाए वियतनाम में, या फिर वो कहीं और. सो वी नीड टू प्रिडिक्ट दैट, वी नीड टू सी दैट, गेट इनटू इट एंड सी द थिंग्स, राइट. चौथी चीज जो है ये थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल है, इट इज अबाउट द चाइनीज. सो द चाइनीज पीपल हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ वायरसेस इंटेंशनली अनइंटेंशनली. इसके ऊपर भी एक पूरी कहानी है कि ये बायो वेपन था या नहीं था. द नेक्स्ट वीडियो दैट आई एम गोइंग टू डू फॉर यू, आई विल टेल यू अ थ्योरी दैट वन ऑफ द साइंटिस्ट ऑफ यूएस हैज गिवन, कि ये शायद एक जो थी ये बायो वेपन था और ये कोई गलती से फैला हुआ नहीं, वायरस नहीं है. बट कमिंग बैक टू द पॉइंट कि कई वायरसेस जो हैं मैंने पास्ट के पढ़े जो चाइना से, 2002 के अंदर जो है सार्स आया था. अब सार्स भी काफी सिमिलर बीमारी थी और वो भी बैट की वजह से हुई थी जैसा इन्होंने अभी तक प्रेडिक्ट किया. तो उस बीमारी के अंदर जब वो बीमारी फैली तो वो करीब करीब 26 कंट्रीज में गई थी, लेकिन उसका लिमिटेड स्कोप था, वो फटाफट खत्म हो गई थी कुछ टाइम के अंदर. लेकिन वो बीमारी भी चाइना से आई थी. 1918 में एक फ्लू आया था, स्पैनिश फ्लू, एंड दैट वाज अराउंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. और वो स्पैनिश फ्लू जो था वो भी एज पर द रिपोर्ट्स एंड रिसर्च वो आया था चाइना के नॉर्दर्न पार्ट से. सो एंड दैट किल्ड करोड्स ऑफ पीपल. एंड नाउ अगेन वी हैव चाइना कमिंग अप विद अ न्यू डिजीज. Intentionally, unintentionally, that's a debatable point. But they've come up with a new disease, eating a bat and then spreading it over now. And they have not, the worst part is they have not learned from their mistake. I saw a video recently where a guy was eating a frog. A Chinese guy was eating a frog. And I hope that is not latest video. But if it is, then they haven't learned from their mistake already, right? So my point is, people would not be able to forgive China very easily now. बहुत मुश्किल होगा लोगों के लिए चाइना को अब इसके बाद माफ करना. और उस चक्कर में भी जो चाइना का टूरिज्म है, जो लोग चाइना से ट्रैवल करते हैं डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, और जो चाइना के अंदर ट्रैवल करते हैं दूसरी कंट्रीज से, उस दोनों में काफी फर्क पड़ेगा. बिकॉज चाइनीज जो है पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड है, दे हैव द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड हमारे बाद, और वो बहुत कंट्रीज के अंदर है. तो हो सकता है कि बहुत सारी कंट्रीज उनको एंटरटेन ना करे इजीली, और बिकॉज ऑफ दिस रीजन. और शायद कुछ कंट्रीज जैसे इटली है और यूएस है, वो शायद इसको कभी माफ भी ना कर सके बिकॉज ऑफ द थिंग दैट दे हैव डन. एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 30-40 ईयर्स दे वुड नॉट बी एबल टू फॉरगिव देम इजीली. देन नंबर 5, अब ये जो पॉइंट है ये हो सकता है, इसकी सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है होने की, ये है द सेल ऑफ ट्रैवल इंश्योरेंस. So, जब भी हम एक बुकिंग बनाते हैं, उस बुकिंग के अंदर लास्ट में ना एक पॉइंट होता है, एक बॉक्स होता है, जहां पर वो बोलते हैं वुड यू लाइक टू बाय ट्रैवल इंश्योरेंस विद अस और नॉट. और जनरली हम उसको छोड़ देते हैं, हम कहते हैं कि कौन ट्रैवल इंश्योरेंस को खरीदेगा यार, क्या फर्क पड़ता है. लेकिन अब इसके बाद हो सकता है, यू नो, मेनी पीपल अमंगस्ट अस, आप मैं, हम लोग जब भी कोई बुकिंग करेंगे ट्रैवल की, फ्लाइट की या क्रूज की, सो वी विल मेक श्योर कि यू नो वी मस्ट हैव एन इंश्योरेंस दैट इफ समथिंग हैपेंस टू अस, आवर फैमिली शुड बी सिक्योर्ड बिहाइंड, और इफ समथिंग हैपन टू अस वी शुड हैव एन इंश्योरेंस फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट. सो दैट्स वन थिंग दैट आई स्ट्रांगली बिलीव इज गोइंग टू गो अप. सो ये थे 5 पॉइंट्स दैट आई थॉट माइट हैपन राइट आफ्टर दिस क्राइसिस इज ओवर. प्लीज टेल मी, आपको क्या लगता है कि जब ये क्राइसिस ओवर हो जाएगा तो ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर क्या फर्क पड़ेगा, इन द कमेंट बॉक्स. ऑलराइट,
So I hope you stay safe, you stay at home, and we come out of this crisis as soon as possible. Thank you so much for watching this. I'll see you in the next one.